Question bank with answer. NPS related establishment for all departmental exam. प्रश्न 1. NPS का फुल फॉर्म क्या है? विकल्प ए नई पेंशन योजना, बी कोई पेंशन योजना नहीं, सी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं. उत्तर सी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली. प्रश्न 2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कब से प्रभावी है? विकल्प ए 1/1/2004, बी 1/7/2004, सी 1/4/2004, डी इनमें से कोई नहीं. उत्तर ए 1/1/2004. प्रश्न 3. रेलवे सेवा में नए प्रवेशकर्ता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आएंगे. विकल्प ए स्वचालित रूप से, बी विकल्प द्वारा, सी एडमिनिस्ट्रेटिव विकल्प पर, डी इनमें से कोई नहीं. उत्तर ए स्वचालित रूप से. प्रश्न 4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है ए अंशदायी, बी गैर अंशदायी, सी कोई नहीं, डी सभी सही हैं. उत्तर ए अंशदायी. प्रश्न 5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कर्मचारी द्वारा देय अंशदान है. विकल्प ए मासिक आधार, बी त्रैमासिक आधार, सी अर्धवार्षिक आधार पर, डी वार्षिक आधार. उत्तर ए मासिक आधार पर. प्रश्न 6. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कर्मचारी का योगदान है. विकल्प ए एट द रेट मूल वेतन का 8% प्लस डीए, बी एट द रेट मूल वेतन का 9% प्लस डीए, सी एट द रेट मूल वेतन का 10% प्लस डीए, डी मूल वेतन का 12% प्लस डीए. उत्तर सी एट द रेट मूल वेतन का 10% प्लस डीए. प्रश्न 7. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नियोक्ता का योगदान होता है. विकल्प ए मूल वेतन और डीए का 10%, बी मूल वेतन और डीए का 11%, सी मूल वेतन और डीए का 12%, डी मूल वेतन और डीए का 14%. उत्तर डी मूल वेतन और डीए का 14%. नोट 1419 से प्रभावी. प्रश्न 8. पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? विकल्प ए भविष्य निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, बी सार्वजनिक भविष्य निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, सी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, डी इनमें से कोई नहीं. उत्तर सी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण. प्रश्न 9. एनपीएस के तहत पीएफआरडीए द्वारा कितनी केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी नियुक्त की गई है? विकल्प ए एक यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, बी दो यानी एनएसडीएल और मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, सी तीन यानी एनएसडीएल मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड और एलआईसी ऑफ इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं. उत्तर बी दो यानी एनएसडीएल और मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड. प्रश्न 10. एनपीएस के तहत निम्नलिखित में से किस बैंक को ट्रस्टी बैंक के रूप में नामित किया गया है? विकल्प ए बैंक ऑफ इंडिया, बी एक्सिस बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी आईसीआईसीआई बैंक. उत्तर बी एक्सिस बैंक. प्रश्न 11.
एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति के समय आईआरडीए विनियमित जीवन बीमाकर्ता में वार्षिकी के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत निवेश किया जाएगा। विकल्प ए सेवानिवृत्ति के समय कोष का 60%, बी सेवानिवृत्ति के समय कॉर्पस का 100%, सी सेवानिवृत्ति के समय कॉर्पस का 40%, डी सेवानिवृत्ति के समय कोष का 80%। उत्तर सी सेवानिवृत्ति के समय कॉर्पस का 40%। प्रश्न 12। यदि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले किसी रेलवे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को आईआरडीए विनियमित जीवन बीमाकर्ता में वार्षिकी के लिए न्यूनतम कितना निवेश करना होगा। विकल्प ए मृत्यु के समय कुल राशि का 60%, बी मृत्यु के समय कुल राशि का 100%, सी मृत्यु के समय कुल राशि का 40%, डी मृत्यु के समय कुल राशि का 80%। उत्तर डी मृत्यु के समय कोष का 80%। प्रश्न 13। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले रेलवे कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर पात्र परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित क्रम में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। विकल्प ए जीवन साथी बच्चे और माता पिता, बी जीवन साथी माता पिता और बच्चे, सी पति पत्नी अभिदाता की माता और अभिदाता के पिता, डी पति पत्नी बेटा और बेटी। उत्तर सी पति पत्नी अभिदाता की माता और अभिदाता के पिता। प्रश्न 14। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी हैं। विकल्प ए मरित्यूस सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए पात्र, बी मरित्यूस सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं, सी केवल मृत्यु के मामले में मरित्यूस सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए पात्र, डी केवल सेवानिवृत्ति के मामले में मरित्यूस सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए पात्र। उत्तर ए मरित्यूस सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए पात्र। प्रश्न 15। एनपीएस के तहत न्यूनतम सेवा के बाद आंशिक निकासी की अनुमति है। विकल्प ए 10 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी 3 वर्ष। प्रश्न 16। एनपीएस के तहत अधिकतम कितनी बार आंशिक निकासी की अनुमति है। विकल्प ए 5 बार, बी 3 बार, सी कोई सीमा नहीं, डी 10 बार। उत्तर बी 3 बार। प्रश्न 17। चिकित्सा आधार पर निकासी के मामले को छोड़कर एनपीएस के तहत दो आंशिक निकासी के बीच न्यूनतम अंतर क्या है। विकल्प ए 10 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी 5 वर्ष। प्रश्न 18। किस उद्देश्य के लिए एनपीएस से आंशिक निकासी की अनुमति है। विकल्प ए बच्चों दत्तक बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए, बी बच्चों दत्तक बच्चे के विवाह के लिए, सी आवासीय घर फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 19। एनपीएस के अंतर्गत प्रथम आंशिक निकासी में अधिकतम कितनी राशि निकाली जा सकती है। विकल्प ए सब्सक्राइबर के योगदान का 25%, बी सब्सक्राइबर और नियोक्ता दोनों के योगदान का 25%, सी सब्सक्राइबर के योगदान का 1/3, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए सब्सक्राइबर के योगदान का 25%। प्रश्न 20। एनपीएस के तहत दूसरी और उसके बाद की आंशिक निकासी में अधिकतम कितनी राशि निकालने की अनुमति है। विकल्प ए
सब्सक्राइबर के योगदान का 25% भी पहली या बाद की निकासी की तारीख के बाद सब्सक्राइबर द्वारा किए गए वृद्धिशील योगदान का 25% सी सब्सक्राइबर के योगदान का 1/3 डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी पहली या बाद की निकासी की तारीख के बाद सब्सक्राइबर द्वारा किए गए वृद्धिशील योगदान का 25%। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का नियामक और प्रशासक है? विकल्प ए राष्ट्रीय पेंशन नियामक प्राधिकरण, बी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, डी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। उत्तर डी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। प्रश्न 22। जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत आने वाला कोई रेलवे कर्मचारी निलंबित है तो निलंबन की अवधि के लिए एनपीएस में योगदान की राशि होगी। विकल्प ए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10%, बी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 5%, सी कोई योगदान नहीं, डी केवल मूल वेतन का 10%। उत्तर सी कोई योगदान नहीं। प्रश्न 23। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सदस्यों को आवंटित अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या प्राण में कितने अंक होते हैं? विकल्प ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। उत्तर सी 12। प्रश्न 24। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए योगदान के भुगतान के लिए निम्नलिखित में से किसे वेतन माना जाता है? विकल्प ए मूल वेतन, बी रनिंग स्टाफ के लिए 30% वेतन तत्व, सी डॉक्टरों के लिए गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।